मेरी फैमिली गाइड से कुछ बाय करने के लिए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद मेरे भाई का बर्थडे है, उसे गिफ्ट भी तो देना है ना। तो गिफ्ट के लिए हम कुछ लाए हैं एंड वो सीख लेते हैं। फिर जब घर पे आ जाएगा गिफ्ट, तब हम दिखाएंगे क्या है ना अर्षिता। तो फ्रेंड्स, हम घर में आ चुके हैं और घर पे कहीं बाहर से जाके आओ तो पहला काम यही देता है कि हम पहले जाके अपना हाथ बात अच्छे से साफ कर लें और कपड़े को चेंज कर लें। जो चीज़ें लाए हैं बाहर से वो चीज़ को अलग ही रखें, सैनिटाइज करें। वो एक हम एक साल डेढ़ साल हो गया वही चीज़ कर रहे हैं, एक रूटीन सी वो बन गई है। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम जो भी छोटे छोटे चीज़ें लाए हैं उसको सैनिटाइज करें, या ऐसे कई चीज़ें हो जाती है जिसको सैनिटाइज नहीं कर पाते हैं, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगी जो बहुत ही अच्छा है और मेरे लिए तो फायदेमंद है, मेरे बच्चों के लिए भी बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि बच्चे अब थोड़ा बाहर निकलने लगे हैं और हस्बैंड से जैसे ऑफिस से आते हैं तो सारे चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, छोटे छोटे चीज़ जो भी हम बाहर से वो लेके आते हैं, मैं आज उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी जो कि क्या है और बिना सैनिटाइजर के वो कैसे हम अपने सारे छोटे छोटे चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं जिसके बारे में आपको बता रही हूँ वो है डिसइंफेक्शन बैग, और ये देखिए उसका कवर है और इसके अंदर एक मैनुअल भी है जिसे हम देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। बहुत ही यूज़फुल है, मेरे लिए तो बहुत ही काम का चीज़ है और बहुत दिनों से मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ। मैं सैटिस्फाइड हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ इसे शेयर करूँ। ये देखिए बिल्कुल फोल्डेबल है, आप इसको फोल्ड करके भी कहीं ट्रैवल करने के टाइम भी ले सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसका नीचे वाला एक में एक जिप लगा हुआ है जिसको हम बंद कर देंगे। देखिए बिल्कुल बॉक्स टाइप का बन गया है और इसमें जो कॉर्ड है इसको हम मोबाइल चार्जर का जो पॉइंट आता है उसमें लगा देंगे तो हमारा काम इसमें बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो गया यूज़ करने के लिए। अब इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं और किस किस चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। जैसे कि पैसा वगैरह होता है कि बहुत मतलब हम चेंज लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, एकदम से उसको लाओ तो सैनिटाइज करना पॉसिबल भी नहीं होता है। जैसे पैसा हो गया, हम मास्क बाहर से यूज़ करके आते हैं वो हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, गाड़ी की चाबी, हमारे चश्मे, हमारे हैंकी, कोई कुरियर आता है पेपर कहीं बाहर से हम लेकर आते हैं उसको भी डाल सकते हैं, और हमारे पर्स हो गया जिसको हम इसमें डाल सकते हैं। सारे छोटे छोटे चीज़ों को डालने के बाद हम अब ऊपर वाला जो जीप है उसको लॉक कर देंगे। अब ये बिल्कुल लॉक हो गया, देखिए अब हमारा काम क्या है, जो पॉइंट है हमारा उसको लेके प्लग में देंगे। इसके बाद सिंपली हम इसे जो ऑरेंज कलर का स्विच देख रहे हैं एक बार इसको प्रेस कर लेंगे। ये नीचे ब्लू वाला लाइट जल रही है आप देख सकते हैं, इसका मतलब इसने अपना काम को शुरू कर दिया है। जो भी सारे चीज़ें हमने इसमें डाला हुआ था वो सारे अब डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, जो भी जर्म्स वायरस हमारे साथ हमारे सामान के साथ आया था वो सारे किल हो जाएंगे। 2-3 मिनट्स में ये हमारा हो जाएगी, होने के बाद अपने आप पे बंद हो जाती है। उसके बाद हम अपना ऊपर का जो जीप है उसको खोलेंगे और सारे सामान निकाल के इसको हम यूज कर सकते हैं। इसको दोबारा सैनिटाइज करना या फिर धोने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम वो सारे चीज़ें इसमें डाले हुए हैं जिसको हम धो भी नहीं सकते, ना मोबाइल धो सकते हैं, ना कार कीज़ को धो सकते हैं, ना घड़ी को धो सकते हैं। ऊपर ये जो देख रहे हैं ये दोनों में उसका जो लाइट है वो आती है। यूज़ करने के बाद हम उसको रख देंगे। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं आप, आपके पास इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है तो आप इसको पावर बैंक लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में या फिर गाड़ी में जा रहे हैं, इस चीज़ की आपको बहुत ज़रूरी है तो आप पावर बैंक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद है, मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। कहीं बाहर से जाके आओ या फिर घर पे कोई कुरियर वगैरह आती है तो मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। मेरे बच्चे भी इसे खूब यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।